लास्ट वाले एपिसोड में आप लोगों ने देखा कि कैसे थैनोस अपना रूप बदल के फ्रैंकलिन और शिनचैन के साथ धोखा करता है, लेकिन फ्रैंकलिन और शिनचैन को पता चल ही जाता है कि वही आदमी थैनोस है। और बिना किसी देरी किए फ्रैंकलिन जल्दी से उस इंजेक्शन को ठोक देता है थैनोस के अंदर। हल्क को किसी भी तरीके से वहां से निकाल लेते हैं फ्रैंकलिन और शिनचैन, लेकिन अफसोस हल्क बेहोश हो जाता है। हल्क को अपनी गाड़ी के अंदर बैठा कर सीधा ले जाया जाए लॉस सैंटोस, लेकिन रास्ते में थैनोस आ जाता है। अब आगे अबे भाई साहब यार, इतने सारे थैनोस कहाँ से आ गए? अरे फैंग अभी तो बेहोश करके आए यार इनको। भाई पता नहीं, तुम्हें क्या लगता है थैनोस के होते हुए तुम यहाँ से निकल कर चले जाओगे? अरे फैंग यार ये कैसे हो सकता है? अबे भाई पता नहीं भाई, हट जाओ यार, हम लोगों को यार हल्को लेकर जाना है यहाँ से। अरे फैंग कैसे लेकर जाए, अपनी पावर से हम लोगों को आगे नहीं जाने दे रहे। ओके सो गाइस यार, फटाफट से यार तुम लोग देख पा रहे हो यहाँ से अपनी आगे गाड़ी ही नहीं बढ़ पा रही। तुम्हें क्या लगता है तुम लोग हल्को यहाँ से बचा कर ले जाओगे? बिल्कुल नहीं, ये लो। अरे फैंग ओके सो गाइस यार, भाई सर ये अचानक से कहाँ पर गायब हो गए? अरे फैंग पता नहीं अभी तो यहीं पर थे। अबे यार मैंने तो डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली और अचानक से ये हुआ क्या भाई, कहाँ चले गए सारे के सारे? अरे फैंग सही तो है, चलो भागते हैं लॉस सैंटोस। अबे हाँ भाई सही मौका है, यही सही मौका है गाइस यार, फटाफट से हल्को लेकर चल दे। लेकिन एक सेकंड यार, मेरे को एक चीज देखनी थी कि वो असली में थैनोस अभी इसका मतलब जिंदा है यार? इस इंजेक्शन का तो फिर कोई मतलब ही नहीं बनता। अरे हाँ फ्रेंड, आयरन मैन ने तो कहा था उस वाले इंजेक्शन को ठोकने से थैनोस कम से कम एक दो दिन तक बेहोश रहेगा। ओके सो गाइस फटाफट से एक सेकंड, कहाँ पर? अरे भाई थैनोस तो यहीं पर पड़ा हुआ है। अरे हाँ फ्रेंड ये तो रहा। ओके सो गाइस यार, भाई अपना अंदाजा सही निकला यार, मैं भाई खामखा टेंशन ले रहा था, अबे थैनोस यहीं पर पड़ा हुआ है। अरे हाँ फ्रेंड ये देखो। ओके सो भाई डरने की कोई बात नहीं, फटाफट से गाइस यार हम लोग निकलते हैं। भाई मुझे लगता है यार अपना वो वहम था भाई, इतना खौफ ही बैठ चुका है यार थैनोस का, थैनोस का नाम भाई अपने दिलों में एकदम खौफ की तरह बैठ चुका है। अरे हाँ फ्रेंक भाई बिल्कुल सही कह रहे हो। अबे चल भाई वो सब छोड़ भाई, हल्की सांसें बहुत ज्यादा स्लो होती जा रही हैं और इसकी हार्ट बीट भी बहुत ज्यादा स्लो हो रही है भाई, इसको जल्दी से जल्दी लॉस सैंटोस ले जाना पड़ेगा। अरे फ्रेंक भाई हाँ फटाफट से यार इसको हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। अबे इसका इलाज तो भाई आयरन मैन वगैरह ही करेंगे, तुझे पता नहीं उन्होंने भाई विजन नहीं है विजन, उसको भी भाई ऑपरेशन के लिए रख रखा है बेहोश करके। अरे हाँ फ्रेंक भैया फिर तो वो इसका इलाज जरूर करेंगे, चलो फ्रेंक भैया। अबे भाई हम लोगों को फटाफट से यार सीधा जाना होगा गाइजर अपने हेलीकॉप्टर की तरफ। अरे फ्रेंक भाई यार ये तो हल्क जरा सा भी उठ ही नहीं रहा। अबे यार मुझे क्या लग रहा है बताऊं क्या? देख भाई उसने थैनोस ने जरूर हल्क के साथ कोई भाई जादुई चीज की है जिसकी वजह से भाई हल्क होश में नहीं आ पा रहा। ना भाई इसको बीमारी है ना कोई इसको चोट लगी है, बट फिर भी गाइजर हल्क होश में नहीं आ पा रहा। अरे फ्रेंक भैया मुझे तो लग रहा है उसने कुछ जादू टोना किया है। अबे मुझे तो लग रहा है शायद उस वाले कमरे में इसको बंद नहीं कर रखा था, वो जो गुंबद सा था उसके ऊपर चर्च के ऊपर, मुझे लग रहा है शायद इसी वजह से भाई ये होश में नहीं आ पा रहा। अरे हाँ फ्रेंक भैया सही कह रहे हो। ओके सो गाइस, अरे मेरा हेलीकॉप्टर कहाँ गया? अरे फ्रेंक भैया हमने इधर ही तो छोड़ा था। ओके सो गाइस फाइनली हम लोग अपने हेलीकॉप्टर के पास आ चुके हैं और पूरी गाड़ी के टायर तुम लोग देखो भाई बर्फ से ढक चुके हैं, बट कोई दिक्कत की बात नहीं है, जल्दी से आ जाए यार शिनचैन फटाफट से यार उसको भी लेकर आ फटाफट से गाइस यार, जल्दी से लेकर निकलना होगा हम लोगों को हल्क को यार लॉस सैंटोस। अरे फ्रेंक भैया लेकिन हल्क को रखेगा कौन? अबे भाई इसको रखेगा कौन तो छोड़ भाई, इसको रखेंगे कहाँ? अरे फ्रेंक भैया मैं तो कह रहा था यार इसको नीचे लटका देते हैं। वैसे आइडिया बुरा नहीं है लेकिन यार बहुत ही ज्यादा मुश्किल चीज है यार ये करना। अरे फ्रेंक भैया बट कहीं ना कहीं तो लटकाना पड़ेगा। अबे यार कोशिश करते हैं गाइस यार, आप लोग यार एक काम करो फटाफट से गाइस यार इस वाली वीडियो को लाइक मारो और साथ में गाइस यार चैनल को सब्सक्राइब मार दो ताकि गाइस यार हमारे अंदर थोड़ी बहुत पावर्स आ सके, ताकि गाइस यार इस मोटे कद्दू से हल्क को यार हम लोग उठा के उस पर लटका सके। अरे हाँ फ्रेंक भैया इसको उठाना बहुत ही बड़ी बात है। गाइस यार आप लोग यार तीन तक की गिनती में फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अरे हाँ गाइस यार फटाफट से 1 2 3। ओके सो गाइस यार फटाफट से यार जैसे तैसे करके यार हम लोगों ने हल्क को एक रस्सी से बांध दिया है और गाइस यार नीचे की तरफ अटैच कर दिया हल्क को। अरे हाँ फ्रेंक भैया अब तो चलो। ओके सो गाइस यार अभी फटाफट से यार ये देखो भाई हल्क को एकदम बढ़िया तरीके से हम लोगों ने अटैच कर रखा है। अभी गाइस यार बिना किसी देरी के हम लोगों को सीधा यार लॉस सैंटोस निकलना होगा, वो भी आयरन मैन के घर के लिए। अरे हाँ फ्रेंक भैया चलो चलो। ओके सो गाइस यार ये वाला तो भाई शहर पूरा का पूरा ही बर्फ से ढका पड़ा था भाई बहुत ही खतरनाक तरीके से, बट गाइस यार अभी ज्यादा देर नहीं, फटाफट से चले यार भाई
स्ट्रेंजन यार लॉस सेंटोस निकलते हैं। अरे हाँ फ्रैंक भैया चलो। ओके सो गाइस यार फटाफट से यार जल्दी से लेकर चलते भाई इससे पहले कि थैनोस उठे। अरे फ्रैंक भैया आयरन मैन ने तो कहा था थैनोस एक दो दिन में उठेगा। अभी गाइस यार लॉस सेंटोस में निकलते हैं, मुझे लग रहा है यार रात हो जाने वाली है लॉस सेंटोस पहुंचते। अरे हाँ फ्रैंक भैया 4-5 घंटे तो लगेंगे चलो। ओके सो गाइस यार तुम लोग देख पा रहे हो भाई साहब रात हो चुकी है। अरे हाँ फ्रैंक भैया और हम लोग लॉस सेंटोस भी आ चुके हैं और हमारा हेलीकॉप्टर भी पूरा बुरी तरीके से गर्म हो चुका है। और भाई तुम लोग देख रहे हो भाई अपने हेलीकॉप्टर में से कितना ज्यादा धुआं निकल रहा है भाई, ये मुझे लग रहा है क्रैश होने वाला है। बट गाइस यार हम लोग पूरी कोशिश करेंगे यार इसको एकदम स्मूथ लैंडिंग करवाने की, बहुत ही मुश्किल है। बट गाइस यार फाइनली हम लोगों ने स्मूथ लैंडिंग, ओ भाई क्या परफेक्ट लैंडिंग करवाई है। अरे हाँ फ्रैंक भैया चलो चलो जल्दी चलो। अबे यार एक तो इसने लाइट कैसी लगवा रखी है यार, गुलाबी गुलाबी सी। अरे फ्रैंक भैया चलो चलो हल को लेकर चलते हैं। अबे भाई हल को टांगना बहुत ज्यादा मुश्किल है, एक काम कर दो भाई आयरन आयरन मैन को सबको जगा के आता हूँ, पता नहीं ये रात को जगे भी होंगे कि नहीं। अरे हाँ फ्रैंक भैया तब तक मैं रस्सियाँ खोलता हूँ। ओए आयरन मैन वगैरह सुन रहे हो? अरे हाँ यार फ्रैंकलिन कैसे यार रात को जगा दिया, बहुत तेज नींद आ रही है। अबे भाई सबको जगा कर लेकर आ जा भाई, बहुत ही बड़ी न्यूज है। अरे चलो चलो। अरे हाँ यार आ रहे हैं। अरे हाँ यार तुम लोग हमारा इंतजार करो, हम लोग आते हैं। अबे भाई साहब वेनम भाई हल्कबस्टर यार आयरन मैन सबके सब जल्दी आओ और उस बेवकूफड़ी को मत लाना। अरे मेरे को मना कर रहा है लाने से। अबे हाँ तेरे को मना कर रहा हूँ लाने से, वरना कहेगी रात को मेरी नींद खराब कर दी। अरे हाँ मैं सही बोलूंगी, रात को मेरी नींद खराब कर दी नालायक। अबे सारे के सारे जल्दी से उठकर आओ भाई, बहुत ही बड़ी न्यूज है तुम्हारे लिए। ओए शिनचैन आ रहा हूँ मैं भी यार हल्को लाने के लिए। अरे यार ये कौन है? अबे भाई हल्को पहचानने से इनकार कर रहा है। अरे यार रात ही इतनी हो रही है तो मुझे समझ नहीं आ रहा। अबे भाई लाइटें वाइटें जला लो यार। अरे पूरे लॉस सेंटोस की लाइट गई हुई है। अरे यार वो सब छोड़ो, तुम लोग ये बताओ कि ये कौन है? अबे भाई कितनी बार बताओ हल्के यार अपना। अरे ये हल्को क्या हो गया? अबे भाई बहुत ही लंबी कहानी है, पहले ये बताओ यार तुम लोग इतना चमक क्यों रहे हो? अरे यार ये तो हमारा सूट का कमाल है। ओके सो गाइस ये देखो यार हल्कबस्टर को, इस छिपकली को। अरे तू मेरा मजाक क्यों उड़ाता रहता है? अरे थैंक यू यार, मुझे पता है मेरा सूट सबसे खतरनाक है। अबे भाई अभी सूट की तारीफ करने का टाइम नहीं है भाई, हल्को बचाओ। अरे यार लेकिन हो क्या गया इसे? अरे भाई एक्चुअली में बात ये हुई है कि थैनोस ने भाई इसको एक ऐसे कमरे में बंद कर रखा था भाई जहां पर सांस लेने की भी जगह नहीं थी, और पता नहीं इस पे भाई क्या जादू मंदिर किया भाई, 2 मिनट के लिए हमसे बात कर पाया और उसके बाद बेहोश हो गया। और भाई धीरे धीरे इसकी सांसें भी घटती जा रही है, इसकी हार्ट बीट भी कम होती जा रही है। अरे हाँ आयरन मैन भैया, और ये रास्ते में एक शब्द भी नहीं बोला यार। अरे हाँ भाई इसका कुछ कर। अरे यार इसे तो फटाफट से हमें अपने ऑपरेशन रूम में ले जाना पड़ेगा। अबे तो लेकर चलो ना भाई, किस बात का इंतजार कर रहे हो? अरे वैसे तुमने थैनोस का क्या किया? अबे थैनोस को तो मैंने वो तेरा जो इंजेक्शन नहीं दिया था, तूने वो बैग में भर के इतना बड़ा सा वो लगा दिया मैंने पूरा का पूरा। अरे बहुत बढ़िया, चलो चलो हल्को लेकर चलो फटाफट से। आ जा यार शिनचैन फटाफट से, कहाँ पर है तेरा ऑपरेशन रूम? अरे तुम्हें कैसे पता हमारा ऑपरेशन रूम नीचे है? अबे नीचे ही होगा, इसके ऊपर तो छत है। अरे बहुत ही चलाक निकले तुम तो। बे मेरी चलाकी की तारीफ करने की अभी जरूरत नहीं है भाई, जल्दी से हल को लेकर चल। अरे चलो चलो यार चलो। ओके सो गाइस यार तुम लोग देख पा रहे हो भाई साहब हम लोग फटाफट से यार हल को लेकर आ चुके हैं यार इसके ऑपरेशन रूम में। वैसे देख यार शिनचैन मैं तुझसे कह नहीं रहा था, उसने भाई विजन को भी पकड़ रखा है। अरे हाँ फ्रैंक भैया लेकिन इसका करने क्या वाले हैं? अबे पता नहीं क्या करने वाला है। अबे आयरन मैन भाई तू इसका हल का चेकअप करना यार। अरे यार मैंने चेकअप कर लिया और स्कैन भी कर लिया अपनी आंखों से। अबे भाई क्या पता चला तुझे? अरे इसको बचाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, लेकिन वो बहुत मुश्किल है। अबे क्या तरीका है भाई तू बता, हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। अरे यार तुम्हें, अरे क्या यार हमें पेंट में सुसु करना होगा, वो तो मैं अभी कर दूंगा। अबे भाई साहब कुछ नहीं करना भाई, तू आयरन मैन तू बता। अरे यार तुम लोग थैनोस के हाथ से इन्फिनिटी गॉन्टलेट के अंदर से एक स्टोन चुरा कर लाना होगा। अबे भाई पागल हो गया है क्या, ये तो बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। अरे देखो यार हम थैनोस के पास नहीं जा सकते, क्योंकि अगर हम लोग थैनोस के पास गए तो हो सकता है वो अपना रूप बदल के लॉस सेंटोस के अंदर तबाही मचा दे, तो हमारा रुकना लॉस सेंटोस के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है। तो भाई मैं क्या करूं? तुम्हें ही थैनोस के इन्फिनिटी गॉन्टलेट से एक स्टोन चुरा कर लाना होगा। अबे भाई पागल हो गया कि, बहुत ही मुश्किल काम है। एक बात बताओ हल्क तुम्हारा दोस्त था कि नहीं? अरे था क्यों बोल रहा है भाई, अभी भी मेरा वो दोस्त है। अरे हाँ आयरन मैन भैया वो हमारा पक्का दोस्त है। तो तुम्हें उसकी जान बचाने के लिए इन्फिनिटी गॉन्टलेट से एक स्टोन चुरा कर लाना ही होगा। अरे यार लेकिन ये बहुत मुश्किल काम है। अरे तुम ये बताओ तुम ये कर सकते हो कि नहीं? अबे ठीक है भाई हम लोग करने के लिए तैयार है। अरे
इफेक्ट में पागल हो गए। वो क्या है, पिछली बार सिर्फ इंजेक्शन ठोकना था, तब तो पूरी हालत खराब हो गई, इस बार तो उसके हाथ से स्टोन चुराना है। अबे भाई ज्यादा मुश्किल नहीं होने वाला। अरे वो कैसे, अबे थैनोस तो वहाँ पर बेहोश पड़ा हुआ था, भूल गया? अरे हाँ फ्रैंक भैया, ये तो मैं भूल ही गया था। हाँ बिल्कुल, बस तुम्हें उसके हाथ से स्टोन चुराना है, लेकिन एक बात ध्यान रखो। अबे क्या भाई क्या? उसके हाथ से जैसे स्टोन निकलेगा। अबे उसके हाथ से या इन्फिनिटी गॉन्टलेट से? अरे हाँ हाँ वही इन्फिनिटी गॉन्टलेट से जैसे ही स्टोन निकलेगा। हाँ भाई साहब फिर वो स्टोन बड़ा हो जाएगा। हैं, वो स्टोन बड़ा हो जाएगा? वो स्टोन जब थैनोस के इन्फिनिटी गॉन्टलेट में होता है तो वो एक चुटकी भर होता है, लेकिन वहां से निकलते हुए वो एक बड़े साइज के पत्थर, एक हीरे जैसा बन जाएगा। और भाई साहब? और वो टुकड़ों में बट जाएगा। तो तुम्हें उसके सारे टुकड़े लेकर आने हैं, एक भी टुकड़ा नहीं छोड़ना है, और उन टुकड़े को जोड़कर हल्का इलाज किया जा सकता है। ओके सो गाइस, ठीक है भाई, डील डन है। आ जाए यार शिनचैन फटाफट से, यार उसके उठने से पहले उसके हाथ से निकाल कर लाते हैं स्टोन। अरे हाँ फ्रैंक भैया, चलो चलो जल्दी आ जाए शिनचैन यार, जल्दी से हेलीकॉप्टर लेकर चलते हैं। अरे फ्रैंक भैया चलो। अरे फ्रैंक भैया ये तो सुबह होने भी वाली है। अबे हाँ यार, हमारे पास बिल्कुल भी ज्यादा टाइम नहीं है गाइस, अभी हम लोगों को बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ उड़ना होगा। चल यार। अबे यार ये हेलीकॉप्टर नहीं उड़ पा रहा, शिट मैन, अबे उड़ जा यार प्लीज। ओके सो गाइस, जैसे तैसे करके यार मैंने इसको उड़ा लिया है। अभी गाइस तुम लोग देख पा रहे हो भाई साहब, सुबह होने ही वाली है, और मुझे यार सुबह होने से पहले ही भाई पहुंचना होगा नॉर्थ यंगटन। अरे हाँ फ्रैंक भैया चलो। ओ शिट भाई, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। अरे फ्रैंक भैया संभल कर चलाओ यार। ओके सो गाइस, तुम लोग देख पा रहे हो हेलीकॉप्टर में आग लग चुकी है, बट फिर भी गाइस हम लोग उसको बचा के रहेंगे। भाई हेलीकॉप्टर उड़ जा भाई प्लीज मेरे। ओके सो गाइस, तुम लोग देख पा रहे हो भाई साहब, यहाँ पर सूरज निकल चुका है, और गाइस जैसे तैसे करके यार अपने हेलीकॉप्टर को हम लोग ला चुके हैं, और गाइस इसकी पंखुड़ियों ने काम करना बंद कर दिया है बिल्कुल सही टाइम पे। चल आ जा यार शिनचैन, जल्दी बाहर निकल। अरे हाँ फ्रैंक भैया एक सेकंड। ओके सो गाइस, फाइनली यार हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर, यार तुम लोग देख पा रहे हो नॉर्थ यंगटन, और जो अपनी लास्ट टाइम गाड़ी थी वो शायद वहीं पर होनी चाहिए। अरे हाँ फ्रैंक भैया होनी तो वहीं पर चाहिए, और वो वोरी 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 गाइस वोरी। फटाफट से यार हम लोग अपने हेलीकॉप्टर को यहाँ पर छोड़ दिया, बट गाइस एक दिक्कत की बात हो चुकी है। अरे फ्रैंक भैया क्या? अबे दिक्कत की बात ये हुई है कि हमारा हेलीकॉप्टर भाई पूरी तरीके से कबाड़ा बन चुका है, अब वो उड़ने की हालत में नहीं है, अब तो हम लोग यहीं पर फंस के रह गए। अबे भाई अब कुछ हमें इंतजाम करना पड़ेगा भाई, यहाँ के लोगों से हेल्प मांगनी पड़ेगी। उससे पहले भाई चल फटाफट से यार उसके हाथ से यार स्टोन निकाल कर लाते हैं। अरे फ्रैंक भैया चलो चलो। अबे भाई चल रहा हूँ गाइस, अभी बिल्कुल भी हमारे पास टाइम नहीं है सीरियसली में। अबे भाई तू फिसलना बंद करेगी गाड़ी, वो तो सही है गाइस, ये वाली गाड़ी खराब नहीं है भाई, वरना तो हम आज पूरी तरीके से फंस जाते। तो गाइस अभी फटाफट से यार इस वाली गाड़ी की हेल्प किससे, हम लोग जल्दी से चलते यार रोड की तरफ। अबे भाई चल जा मेरी गाड़ी। ओके सो फाइनली गाइस, जैसे तैसे करके हम लोग फाइनली यार उस वाले चर्च के पास पहुंचने वाले हैं। अरे हाँ फ्रैंक भैया चलो चलो, थैनोस के उठने से पहले उसके हाथ से निकालते हैं। ओके सो यार वो स्टोन भाई बड़ा भी हो जाने वाला है, तो उससे संभल कर निकालना होगा, और वो टुकड़ों में भी बढ़ जाने वाला है। अबे यार उसके एक एक टुकड़े को इकट्ठा करके ले जाना पड़ेगा। चल भाई साहब चल 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 यार, चल भाई शिनचैन। अरे हाँ फ्रैंक भैया चलो, सामने ही पड़ा होगा। ओके सो गाइस यार फटाफट से, अबे थैनोस कहाँ गया? अरे फ्रैंक भैया पता नहीं। अबे भाई इधर ही कहीं दबा हो गया यार बर्फ में, एक सेकंड गाइस। अबे यार ये थैनोस कहीं उठ तो नहीं गया? अरे फ्रैंक भैया पता नहीं। अबे भाई अगर उठ गया होगा ना भाई, हम लोग नहीं बचने वाले। अरे फ्रैंक भैया क्यों, फटाफट से यार हेलीकॉप्टर में बैठ के निकल लेंगे। अरे नहीं हेलीकॉप्टर भी तो खराब हो गया। अबे वही तो यार, हम लोग तो यहाँ पर बुरी तरीके से फंस जाएंगे। ओके सो गाइस यहाँ पर यार कहाँ है यार ये थैनोस? अरे फ्रैंक भैया ये थैनोस आखिर गया तो गया कहाँ? बे भाई पता नहीं कहाँ गया, एक बार मिल तो जाए इसके हाथ से स्टोन निकालूंगा मैं। किसके हाथ से स्टोन निकाल लोगे? अबे भाई साहब ये कहाँ से आ गया? अरे फ्रैंक भैया पता नहीं। अबे यार शिट भाई, बुरी तरीके से फंस गए। अरे भाई किसी के हाथ से नहीं, जिसका मुझे इंतजार था, आखिर तुम दोनों मेरी पकड़ में आई गए, अब तुम दोनों को मुझसे बचाएगा कौन? अरे गाइस अब हम लोग क्या करें? अबे भाई सचमुच भाई, अब तो हमारे पास भाई ना ही हेलीकॉप्टर बचा, और ना ही गाइस हमारे पास कुछ भी पावर से, ना ही हल्क हमारी हेल्प करने के लिए बचा, अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? और नहीं शिट भाई साहब, शिनचैन भाग यहाँ से। सो गाइस अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो यार वीडियो को जाकर लाइक जरूर कर देना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल वाले आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। और गाइस अगर तुम लोग इस वाली वीडियो का नेक्स्ट पार्ट चाहते हो तो गाइस इस वाली वीडियो पर 20,000 लाइक का कंप्लीट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस गुड बाय।